हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये राउंड शेप में डिजाइनर डोरमेट बनाना सीखेंगे। आप इसे डोरमेट भी बना के यूज़ कर सकते हो, टेबल मैट भी बना सकते हो, पूजा का आसन भी बना सकते हो, और आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी अच्छे से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे, और फंदे हम इसमें बिल्कुल ही, मैं आपको सिंपल तरीके के फंदे बताऊंगी। ये देखिए, एक हम यहाँ पे ऐसे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमारा नॉट से हो गया। ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से मैं इसमें 20 फंदे और डाल लेती हूँ। 30 फंदे पे हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 30 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। ये हमारी सीधी साइड बनेगी, ये उल्टी साइड बनेगी। तो यहीं से हम इसमें एक कलर अपना और लगाएंगे। ये देखिए, एक, दो, दो फंदे बनाने के बाद यहाँ से मैं इसमें एक कलर और लगा लूँगी। आप इसमें इसकी नोट लगा लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दबा दूँगी। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस और चौबीस। चौबीस फंदे बनाऊँ फ्रेंड्स, ये चार फंदे मैं छोड़ दूँगी। ये नीचे जो इस कलर के हम फंदे छोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो इस कलर का भी एक बीच में सर्कल बन के तैयार होगा, जो कि बहुत ही सुंदर इसके लुक देगा। ये देखिए, इसको ऐसे उतार लेंगे, और इस साइड से भी हम ये सारे फंदे ऊपर तक मैं बना लूँगी। इस सीधी साइड से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एंड तक जो फंदा जिस कलर का होगा आपने उसी कलर से बनाना है। इस रो को मैं आपको पूरा उतार के दिखाऊंगी। जो जिस कलर का फंदा होगा उसी कलर से बनाना है। इस साइड हमने कोई भी इसमें डिजाइन में चेंज नहीं करना है। आपने ये देखना है कौन से कलर का फंदा है, उसी कलर से आपने उसको बनाना है। अब यहाँ से देखिए, इसको हम पीछे कर देंगे, और पीछे से ये फंदा लेके आएंगे ऐसे क्रॉस करके, ताकि हमारा बीच में गैप ना बने। और ये देखिए ध्यान से, किनारे वाला फंदा हम पीछे थ्रेड करके इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, ये देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे, ये दो, एक फंदा हम और इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अभी फ्रेंड्स मैं एक कलर की चार चार रो बनाऊंगी। इसी कलर को अभी हम फिर से दोबारा लगाएंगे। तो देखिए, एक हमने यहाँ पे ले लिया, देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह,
16, 17, 18, 19, 20 और 21। पहले हमने फ्रेंड्स ये चार फंदे छोड़े थे, अब हम ये दो फंदे छोड़ेंगे, दो दो फंदे छोड़ेंगे। अब राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के ऊपर तक इस रो को इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं, एक बार फिर से देखिए इसको पीछे करेंगे, पीछे से ये आगे लेके आएंगे। ये देखिए एक दो, और इसको हम सीधा बनाएंगे, इसको आप हमेशा ऐसे सीधा ही बनाइएगा। अब देखिए ये फ्रेंड्स इस कलर की हमारी ये चार रो बन गई हैं। अब देखिए एक दो तीन और चार, एक फंदा हम इसमें से और ले लेंगे, और यहाँ पे मैं अब इसमें अपना एक कलर और ऐड करूँगी जो कि मैं वाइट लगाऊँगी। देखिए दो, थोड़ा सा दबा देंगे इसको, तीन, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको बैक साइड से भी बहुत ही सफाई के साथ इसको बना के कंप्लीट करेंगे, तो आप इनको ऐसे दबा दीजिए अंदर की तरफ। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह फंदे बनाएंगे, दो हम इस बार फिर से छोड़ देंगे। राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही मैं बनाऊंगी, और यहाँ से हम फिर से थ्रेड को पीछे से क्रॉस कर लेंगे और ये पूरी रो बना के और लास्ट वाला हम सीधा बना देंगे। तो मैं इसे पूरा करती हूँ। ये देखिए ऐसी आपकी एक फिनिशिंग की एक छोटी सी बनती जाएगी। अब देखिए इस कलर से फ्रेंड्स हमने दो रो बनाई हैं, वाइट से दो रो हम और बनाएंगे। तो देखिए एक दो तीन चार, एक फंदा हम आगे से और ले लेंगे, और ये देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लीजिए खींच के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए राइट साइड से इस रो को जो जिस कलर का है उसी कलर से बना के मैं कंप्लीट। ये देखिए इसकी भी वाइट की भी हमारी ये चार लाइन बन गई हैं। अब इसमें मैं एक कलर और ऐड करूँगी, देखिए तो देखिए एक दो तीन चार पाँच, एक हम इसमें आगे से और ऐड कर लेंगे, ये हमारे हो गए छः। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, यहाँ से मैं इसमें एक कलर और लगाऊँगी। ध्यान से देखिएगा, और ये जो फंदे हैं फ्रेंड्स आपके ये कलर है, आप इसको भी ऐसे साथ साथ आप इसको एक बार ऐसे लेके बना दीजिए ताकि ये हमारा ऊपर साथ साथ आ जाएगा, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे से हमारा लंबा थ्रेड नहीं होगा। और ये आप ऐसे दबा दीजिए, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये हमने दो फंदे फिर से छोड़ दिए। ये देखिए सीधी साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए दो रो हमारी ये मैरून की हो गई हैं, तो इसमें दो रो हम और बनाएंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक फंदा और ले लेंगे सात,
इसको ऐसे टाइट कर देंगे। वाइट वाले को भी आप ऐसे ऊपर रखिएगा। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे हमने बना लिए, दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। ये भी हमारे रो, चार रो कंप्लीट हो जाएंगी। ये रो कंप्लीट करेंगे जब हम, ये देखिए, तो इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमने ये फंदे छोड़ लिए हैं, यहाँ तक। और ये देखिए, इस तरीके से हमारी डिजाइन बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, इसमें झोल ना आए और इसके किनारे और ज़्यादा डिजाइनर बने, उसके लिए हमें क्या करना है। जितने भी आपने फंदे छोड़ रखे हैं, मेरे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे हैं, तो अब इनको हम दो दो करके छोड़ देंगे, नीचे तक नहीं जाएंगे, यहीं पे इसको बनाएंगे। दो फंदे छोड़ दिए, ये बीच के चार फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से छोड़ लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में से छोटे छोटे ये आपके पार्ट मिस हो जाते हैं, तो फिर आप ये मैसेज करते हो कि मैम हमारे में झोल आ गया, तो झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा झोल, अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। प्लीज़ आप पूरा वीडियो, अगर आपको डिजाइन बनाना है तो पूरा आप वीडियो देखना। ये देखिए, फिर बिल्कुल भी आपके में झोल नहीं आएगा। ये देखिए, दो दो करके हमने सारे फंदे छोड़ लिए, ये देखिए पूरे हमने छोड़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हाफ कली फ्रेंड्स हमारी बनके कंप्लीट हो गई है, तो अब हम जितने भी फंदे ये ऊपर के और नीचे के हमने छोड़ रखे हैं, सारे ही फंदे हम इस कलर से बना लेंगे। जो भी कलर आपने बेस कलर लिया है, जिस कलर से भी आपने फंदे डाले हैं, तो अब हम ये नीचे तक सारे फंदे इसी कलर से बनाएंगे। देखिए, इस साइड से भी इस रो को मैं पूरा बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, सीधी साइड से इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से इसकी लुक आई है। अब देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारी हाफ कली बन के कंप्लीट हो गई है। तो अभी हमने वापस, जैसे हम नीचे से बनाते हुए आए थे, तो इस साइड में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो सात फंदे थे मेरे, एक फंदा इसको किनारे को हटा के छह फंदे थे, वो मैंने दो दो करके यहीं पे, अभी ये हमने तीन लाइन बनाई थी दो दो करके, वो हमने सारे फंदे छोड़ दिए थे। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, पहले वाला उतार लिया, ये दो फंदे हमने बना लिए, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब दो दो फंदे हमने इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए, अब फिर से देखिए, फर्स्ट वाला उतार लेंगे, एक दो, दो फंदे हम आगे से और इसमें ऐड कर लेंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपने इसी तरीके से बनाना है, तो बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आएगा। ये देखिए, फिर से पलटेंगे, दो फंदे हमारे फिर से हमने इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए, ये दो फंदे हम इसमें और ऐड कर लेंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे।
ये देखिए, इससे क्या होगा, हमारे खुले खुले किनारे हमारे बनेंगे। इस साइड से भी मैं ये रो को पूरा करूँ। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने दो दो करके इसमें ऐड कर लिए हैं। अब देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने लास्ट रो बनाई थी तो अब इसी से हमने यहाँ की दोबारा से स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदे थे हमारे ये। ये देखिए, जब ये हमने ऊपर की लाइन बनाई थी और जब ये नीचे की बनाई थी तो दो हम इसमें और ये और ऐड कर लेंगे। तो बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हमने हाफ कली बनाई थी। अब हमने ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे। ये देखिए, अब जब दूसरी लाइन बनाएंगे तो हम इनको भी ऐड कर लेंगे, तो ये कलर हमारा बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगा। इस रो को मैं पूरा करूँगी। ये देखिए, जब हम नीचे से फ्रेंड्स आए थे तो हम बाहर से अंदर की तरफ आए थे, अब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तब हमारा ये ऊपर का ये कली बन के कम्प्लीट होगी। तो ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः फंदे बनेंगे। पहले हम एक एक फंदा अंदर की तरफ कन्वर्ट करते जा रहे थे, अब हम बाहर की तरफ करेंगे। ध्यान से देखिए, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और दो हम आगे से और ले लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सेम हमारा जैसे हमने ये नीचे बनाया था इसी तरीके से बनेगा। देखिए, यहाँ से भी आपको शेप दिखाई देगी और ये कलर हमारा यहीं तक था। सीधी साइड से जो जैसा है वैसा ही बना के मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, अब देखिए, इसके बाद हमारा मेरा ये वाइट कलर था। ये दो रो हमारी, ये वाली नीचे वाली कंप्लीट हो गई हैं, चार रो सॉरी। और अब ये मैं वाइट थ्रेड इसमें लगाऊंगी। तो देखिए, फिर से एक फंदा आगे से कम हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से मैं इसमें वाइट थ्रेड लगा लूँगी। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, दो आगे से ले लेंगे। और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को मैं जो जैसा है वैसा ही कलर बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए, दो रो बनी है वाइट की, दो रो हम और बनाएंगे। देखिए, एक दो तीन, अब की बार हम चार फंदे बनाएंगे। एक फंदा हम फिर से इसका कन्वर्ट कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, दो फंदे और हम आगे से ले लेंगे। ये देखिए, पिछली बार हमारा वाइट यहीं तक था। बिल्कुल ऐसे आपकी सीध में लाइन से लाइन मिलेंगी, बहुत ही सुंदर इसकी डिजाइन की लुक आएगी। ये देखिए, ये इस साइड से भी मैं ये बना के जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बना के मैं इसे कंप्लीट करूँ। ये देखिए, वाइट की भी चार लाइन कंप्लीट कर ली हैं। अब ये कलर मेरा बच गया है। अब देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ये देखिए, दो तीन,
एक फंदा हम इस कलर को फ्रेंड्स आप साथ साथ ऊपर लेके आइएगा ताकि बैक साइड से लंबे थ्रेड ना रहें। ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस और ये इक्कीस। ये देखिए, राइट साइड से इस रो को मैं पूरा बना के यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की ये लास्ट दो फंदे हमने जैसे स्टार्टिंग करी थी ऐसे ही हमारा एंड होगा इस कली का। ये देखिए, दो फंदे हमारे बच गए। स्टार्टिंग में आप याद करिए, दो फंदे ही हमने लेके जब ये कलर लगाया था, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और ये चौबीस। चौबीस फंदे हमने लिए थे, चार फंदे हमने छोड़ दिए थे। तो बिल्कुल ऐसे ही एंड होगा आपकी कली का जैसे आप स्टार्टिंग करोगे। इस साइड से इस रो को मैं पूरा बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए, चार रो इस कलर के भी हमने उतार ली हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन हमारी ये मैच हुई है। अब देखिए, ये लास्ट के फंदे जैसे हमने स्टार्टिंग में फंदे डाल के ये हमारी लाइन आई थी और ये हमने बीच में आउटलाइन दी थी, ऐसी ही हम यहाँ से भी बनाएंगे ताकि दूसरी कली की जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे फंदे एक जैसे हो जाएं। ये देखिए, ये सारे ही फंदे मैं इस कलर से बना लूँगी। ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन है और बहुत आसान डिजाइन है। अगर फ्रेंड्स आपको ये बड़ा बनाना है तो बड़ा भी आप इसी तरीके से आप इसमें बनाइएगा। अपनी चॉइस से आप इसमें कैसे भी कलर लगाइए, कलर कंट्रास्ट जो भी आपको पसंद हो। थोड़ी थोड़ी ऊन आपके पास बची हुई हो तो अलग अलग कली अलग अलग कलर से भी आप बना सकते हो। दूसरी कली में आप और कोई कलर लगा सकते हो। ये देखिए, और आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। ये देखिए, लास्ट तक हम ये बना लेंगे। ये देखिए, सीधी साइड से भी मैं इस रो को बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए, एक कली फ्रेंड्स हमारी बन के कंप्लीट हो गई है। आप ये जो ऊपर का हिस्सा, ये इसको आप जरूर बनाइएगा। दो दो फंदे एक बार हमने छोड़ने हैं, एक बार बनाने हैं। अगर ये आप नहीं बनाओगे तो आपके में झोल आएगा। अब देखिए, अब दोबारा दूसरी कली की फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग करेंगे तो बिल्कुल हमने इसी तरीके से स्टार्टिंग करनी है। दो हम बनाएंगे और यहीं से हम फिर से कलर लगा लेंगे। ये देखिए, चार फंदे लास्ट में छोड़ देंगे। ये देखिए, दूसरी कली की हमारी स्टार्टिंग हो गई है। जैसे बिल्कुल नीचे बनाई है इसी तरीके से सेम आपने इसको रिपीट करना है। ये बिल्कुल राउंड शेप में बनके तैयार होगा। मैं इसको पूरा बना के दिखाऊंगी आपको कि इसकी लुक कितनी सुंदर आई है। ये देखिए, फिर से हम ये चार फंदे छोड़ देंगे तो इसी कलर से इसका ये बीच में सर्कल बनेगा। ये देखिए, राइट साइड से इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फंदे अंदर की तरफ हम ये बढ़ेंगे। ये देखिए, तीन हो गए, दो रो बना ली, दो रो और बनाएंगे। ये हमारे फंदे बढ़ जाएंगे और जब हाफ कली बनाएंगे तो ये फंदे हमारे घटते घटते दो फंदे बच जाएंगे। जैसे बिल्कुल नीचे बनाया है और एक के कलर से आपने ये चार चार रो बनानी है। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे और दो फंदे आपकी बार में नीचे छोड़ दूंगी। फिर हम
सेकंड कलर लगाएंगे, उसकी भी चार रो बनाएंगे। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। ये देखिए मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर इसकी लुक है, बिल्कुल राउंड शेप में ये बना है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, और ये अगर डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।